अस्सलाम वालेकुम, मैं परदेसी भाई। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे लोग जो कि कफाला लेना चाहते हैं, लेकिन कफाला लेने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो है कीवा एप्लीकेशन, यानी कि कीवा का प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आप नकल कफाला लेते हैं। लेकिन मेरे वीडियो में बहुत सारे लोगों का एक कमेंट था कि भाई कीवा का एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पर मिल नहीं रहा है, जिसके वजह से वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ही परेशान हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप कीवा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, किस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में कीवा का एप्लीकेशन को, और आसानी से उसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ए टू जेड स्टेप देखें ताकि आपको इजी तरीके से समझ में आए किस तरीके से आपको कीवा का एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, अगर प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा तो। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूं। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लें, ताकि स्वदेशी हर तरह की मालूम वीडियो आप तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना है। आप अपने मोबाइल में ही कीवा का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं अगर प्ले स्टोर पर नहीं मिलता है तो। तो सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं प्ले स्टोर पे, ठीक है। अब प्ले स्टोर पे चल के देखते हैं क्या सही में कीवा का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यहाँ मैं सिंपली लिख देता हूँ कीवा एप्लीकेशन, या कीवा ही लिख देता हूँ, इतना ही लिखना काफ़ी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कीवा का एप्लीकेशन कहीं भी दूर दूर तक यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। उलझुल तरह का एप्लीकेशन यहाँ पे आ रहा है, लेकिन कीवा का एप्लीकेशन यहाँ पे शो नहीं कर रहा। अब इसको हम लोग डाउनलोड किस तरीके से कर सकते हैं, तो सिंपली आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र में चले जाना है, गूगल पे चले जाना है। गूगल पे आपको लिखना है कीवा एप्लीकेशन इन एपीके फाइल, उसके डाउनलोड, इतना करके आपको सर्च कर देना बस। तो यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे सर्च कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, लेकिन जो वेबसाइट पर आपको ये एप्लीकेशन मिलेगा वो है ये, देख सकते हैं ए पी के प्योर, ठीक है। तो कीवा एप्लीकेशन ए पी के फॉर ऑनलाइन एंड्रॉयड डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको यहाँ पे लोगो दिख रहा है कीवा का एप्लीकेशन का, यहाँ पे लोगो दिख रहा है, ओल्ड वर्जन है। इसको हम लोग चलते हैं नीचे, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि करेंट वर्जन आपको यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड ए पी के है, तो इस पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना। चलिए इस पर हम लोग क्लिक करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। थोड़ा सा नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको फिर से दिखेगा डाउनलोड का, यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड एपीके। आपको सिंपली इस पर फिर से क्लिक कर लेना है, एक ऐड आएगा, इसको कटिंग कर लेना है। अब जैसे ही यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं तो योर डाउनलोड इज़ रेडी, ठीक है। अब यहाँ पर डाउनलोड एनी वे, यहाँ पर ये ऑप्शन आया, इसको हम लोग क्लिक कर लेते, देखते हैं डाउनलोड हमारा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एपीके फाइल जो है डाउनलोड हो गया। अब आपको इस पर जो है डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। पैकेज इंस्टॉलेशन जिस तरीके से आपके सेटिंग में हो उसको, उसका ऑलवेज पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे ये आ गया है, डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। तो कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा, इसको थोड़ा सा हम लोग को वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है। अब हम लोग बैक हो जाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि क्यूवा का एप्लीकेशन यहाँ पर हमें शो कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हो ये कीवा का एप्लीकेशन यहाँ पे आ गया है। अब इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे ओपन कर लेते हैं तो क्या वाकई में ये रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपको थ्री डॉट का ऑप्शन दिखता होगा, थ्री डॉट पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद लॉगिन का ऑप्शन है, तो लॉगिन पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं, अब यहाँ पर आपको कीवा का एप्लीकेशन जो आपका आईडी पासवर्ड बना हुआ है वो आपको डाल लेना है। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फिल कर लिया, फिल करने के बाद इसको लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन वाकई में काम कर रहा है। तो यहाँ पे ओटीपी आया, इसको ओटीपी को डाल दिया, कन्फर्म पर क्लिक कर लिया। तो यहाँ पर हम लोग कुछ टाइम तक वेट करते हैं, यहाँ पर मेरा अकाउंट खुलेगा तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि वह एप्लीकेशन वाकई में रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कुछ टाइम तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट ओपन हो गया है, चूज़ योर अकाउंट टाइप इंडिविजुअल, मेरा नाम यहाँ पे शो कर दिया है, ये मेरा अकाउंट ओपन हो गया, यानी कि क्यूवा का ये एप्लीकेशन मैंने आपको लाइव
डाउनलोड करके दिखाया किस तरीके से डाउनलोड करना है और किस तरीके से आप डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका था। जिन लोगों को क्यूबा का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर नहीं मिल रहा है, वो इस तरीके से आप डाउनलोड करके अपना एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और किस तरीके से अकाउंट बनाना है, मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना कर रखा है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वहां जाके विजिट करें, उस वीडियो को देख करके आसानी से अपना क्यूबा का एप्लीकेशन का अकाउंट किस तरीके से बनाना, वो भी मैं वीडियो इसी वीडियो के एंड में आपको दे दूंगा। उसे देख करके आप अपना अकाउंट भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से इजी स्टेप में अपना क्यूबा का एप्लीकेशन को, अगर प्ले स्टोर पर नहीं मिलता है तो आप क्रोम की मदद से ही डाउनलोड करके अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी और आसान तरीका था जो मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप अपने क्यूबा का एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप ही लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो आई होप कि मेरा, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।